तो दोस्तों आप लोग ये वाला फोटो तो इंस्टाग्राम के ऊपर देख ही रहे होंगे, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और आप लोग जब भी एडिट कर रहे हैं तो अच्छे से एडिट नहीं हो पा रहा है और एडिट होने के बाद भी क्वालिटी ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ इतना हाई HDR इतना शार्पनेस वाला महाकाल फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं, कुछ पॉइंट जान लीजिए। उससे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हेयर को HD कैसे किया जाता है, फेस को इतना हाई क्वालिटी कैसे किया जाता है जिससे आप लोगों का फोटो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होगा। एंड गाइस, जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन के अंदर से फोटो सेव करते हैं तो उसका क्वालिटी क्यों डाउन हो जाता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मालूम चल जाएगा गाइस। और हर एक PNG आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, प्रीसेट भी आसानी से मिल जाएगा। एंड गाइस, यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालता तक फटाक से पहुंच पाए। गाइस यार, हमारा 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करके उसको कंप्लीट कीजिए 100 के सब्सक्राइब, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ओरिजिनल फोटो मेरा ये रहा। ठीक है, देख लीजिए पोज वगैरह, एंड पोज तो मैटर नहीं कर रहा है बट फिर भी यहाँ पे हैंड एक ऊपर रहना चाहिए क्योंकि यार वो जो स्मोक वाला हमारा PNG था उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो आराम से देखिए आप लोगों को, अगर जो आप लोगों का फोटो भी वायरल करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा लाइक पाना है, सबसे हार्ड एडिटिंग करना है और हाई क्वालिटी अगर जो ट्रिक जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब देखिए गाइस इसको सेंड करेंगे सबसे पहले अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एक प्रेसेट का यूज़ करेंगे, वीडियो बड़ा नहीं है, बस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, लास्ट तक थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा वीडियो को भगाना नहीं है गाइस, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। एंड चलते हैं Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, मैं बिल्कुल आराम से बताऊँगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एंड गाइस बिल्कुल ऐसा करेंगे जो कि आप लोगों को होम स्क्रीन पर दिख रहा है, हर एक बाल आप लोगों को कितना ज़्यादा डिटेल्स में दिख रहा होगा। ठीक है, और यही PNG लगाने की मैं बात कर रहा था। ठीक है गाइस, तो चलिए सिंपली चलते हैं अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। देन यहाँ पे हमारा ओरिजिनल फोटो आ चुका है। ठीक है, तो यार मेरा फोटो का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको छोटा करूँगा अभी फ़िलहाल में। तो इस पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर कस्टम वाला जो ऑप्शन है सबसे फर्स्ट में गाइस इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3x4 जो साइज़ है हमारा इसको सेलेक्ट करके और सबसे ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना हमें चाहिए। एंड राइट का आइकन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। हमारा फोटो को जो है क्रॉप हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। देन गाइज अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ये वाला प्रेसर जो है यूज़ करेंगे क्योंकि गाइज हमारा सावन का महीना वाला जो हमारे भोलेनाथ वाला फोटो एडिटिंग हुआ है तो वो समय गाइज सावन का महीना होता है और सावन का महीना में पूरा हमारा जो बैकग्राउंड पेड़ बगीचा हर एक जगह पूरा हरा भरा दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा शूट भी वहीं पे हुआ है तो क्यों ना हम भी अपना बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर टोन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। देन गाइज यहाँ पे आप लोगों को प्रेसेट के ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आते हैं कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कॉपी सेटिंग करके नीचे वाला आइकन जो है सिलेक्ट कर देना है गाइज। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पर राइट का आइकन है कोने में, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा प्रेसेट जो है अच्छे तरीके से कॉपी हो चुका है गाइस। अब आते हैं ओरिजिनल फोटो के ऊपर, यहाँ पे क्या करना है 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देना। अभी हमने फिलहाल में यार कॉपी सेटिंग किया है, अब यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देंगे यानी नीचे वाला जो है आइकन पे क्लिक कर देंगे। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रिजल्ट आप लोग के आंखों के सामने है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से रिजल्ट आया है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताऊँगा फेस स्मूथ करना, वो भी बिल्कुल हार्ड, और बस ऐसे ऐसे करेंगे तो गाइज आप लोग का फेस स्मूथ हो जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। और इसमें गाइज फेस स्मूथ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फिर भी हमारा फेस पे देख सकते हैं स्मूथी टाइप से दिख रहा है। बट इसको चलिए मैं आप लोग का अलग लेवल का स्मूथ बताता हूँ, वो भी PicsArt एप्लीकेशन से। ठीक है, तो बस 2 एप्लीकेशन से हम लोग एडिट करेंगे आप लोग के आंखों के सामने ही। पहला एप्लीकेशन हमारा Lightroom है और दूसरा हमारा PicsArt एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए गाइज आप चलते हैं PicsArt के अंदर। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गाइस एरो का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये शेयर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस अपना पिक्चर गैलरी के अंदर सेव हो रहा है और जब तक सेव हो रहा है वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर जो लोग नए हैं, हार्ड हार्ड कॉन्टेंट इस चैनल के ऊपर आप लोग को रोजाना देखने को मिलता रहेगा। और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस यार 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी सब ड्रीम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो जल्दी से यार 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो जो है सेव हो चुका है गैलरी के अंदर। तो चलिए गैलरी के अंदर चलते हैं, हमारा पहला स्टेप जो है कंप्लीट होता हुआ गाइस आप लोग के आंखों के सामने काफ़ी ज़्यादा इजी था।
तो आप लोग को प्रेसेट कैसे मिलेगा वो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो चलिए गाइस फिलहाल मैं गैलरी के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो कि अभी कलर ग्रेडिंग करके लेके आए हैं। एंड गाइस यहाँ पे अभी कई सारा काम बाकी है, आप लोग प्लीज़ यार वीडियो में बने रहिएगा अगर जो मेरी तरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो, क्योंकि गाइस अभी फेस पे अच्छे से वर्क करना है और आँखों में लेंस लगाना है, लिप्स को रेड करना है और यहाँ पर एक दो PNG लगाना है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक सांप भी मतलब लगाना है, स्नेक, एंड यहाँ पे स्मोक वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हेयर को HD करना है, फेस को HD करना है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस वीडियो में बने रहिए, इतना ही अगर जो आप लोग सीख लेते हैं तो हर फोटो में ऐड करना जान जाएंगे। तो सिंपली यार इसको सेंड करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, देन गाइस ये रहा हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पे PNG का काफ़ी ज़्यादा काम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोटो को रिसाइज कर लेते हैं ताकि हमारा फोटो जो है फटे नहीं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पिक्सआर्ट के अंदर क्वालिटी डाउन हो जाता है, ये बात तो सही है कि क्वालिटी डाउन होता है, लेकिन उसका भी उपाय है गाइस, नीचे की तरफ देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सिंपली टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ कोने में देख सकते हैं रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली रिसाइज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा होगा, इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे 5000 लिख देंगे, ठीक है। 5000 लिखने के बाद गाइस रिसाइज पे दो बार टैप कर देते हैं तो हमारा जो लास्ट मेगापिक्सल जो है फोटो का वो शो हो रहा है, ठीक है, 2999, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 999 करके गाइज रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा फोटो जो रिसाइज हो चुका है, अब इसके ऊपर जितना भी वर्क करेंगे, कितना भी PNG लगा देंगे तो कोई फटने वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं छूटता है, ठीक है। देन अब आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग फेस के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिप्स को रेड करेंगे एंड आँखों में लेंस लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कौन सा लेंस लगाना है भोलेनाथ वाले फोटो एडिटिंग में, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सिंपली नीचे की तरफ आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा रिटच वाला, ठीक है। तो रिटच वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, बट हाँ यहाँ पर कुछ भी घबराना नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हेयर कलर का ऑप्शन जो दिख रहा है, सिंपली हेयर कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा हेयर जो है ऑटोमेटिक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें इसे चेंज करना है रेड कलर में। तो फर्स्ट में जो है हमारा कलर का पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, सिंपली इसके ऊपर टैप करके रेड कलर जो है सेलेक्ट करके राइट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को एरो का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस आते हैं मैनुअली, अब मैं जहाँ ब्रश चलाना है वहाँ पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ मैनुअली वाला जो ब्रश है उसके ऊपर टच करना पड़ेगा। टच तो कर दिए गाइस, अब नीचे वाला जो लिप्स है हमारा उसको रेड कर देते हैं, क्योंकि गाइस जब भी हम लोग बॉय वाला जो लड़का वाला फोटो एडिटिंग करते हैं जब भी, तो नीचे वाला लिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है रेड करने के लिए, और जगह अगर जो गर्ल वाला फ़ोटो एडिटिंग करते हैं हम लोग तो दोनों लिप्स को रेड करना बनता है, ठीक है। तो गर्ल का फोटो एडिट कीजिए तो दोनों लिप्स को रेड कीजिएगा और बॉय का एडिट कीजिएगा तो बस नीचे वाला काफ़ी है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर ये जो सिचुएशन है हमारा इसको 100% रखेंगे, अमाउंट रखेंगे हमें 30%, ठीक है, 30% रखना है यानी 30%। देन राइट के आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे एंड आना है गाइस आई कलर वाले ऑप्शन के अंदर, सिंपली नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा आँखों का जो पार्ट है ब्लैक वाला उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड नंबर में जो ब्लू वाला हमारा कलर आया है आँखों के लेंस में उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो स्काई वाला लेंस है इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इतना ऑप्सिटी रखेंगे लगभग 40 तक एंड ऊपर की तरफ इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और ऊपर का पार्ट जो है इरेज कर देंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। इन्वर्ट कर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है गाइस। एंड गाइस इतना होने के बाद आँखों को आप अच्छे से ऐड कर लेते हैं लेंस को एंड इसको अच्छे से ऐड कर लिया गाइस, और इसको भी थोड़ा सा छेड़ देते हैं। देन देख सकते हैं हमारा आँख का जो लेंस है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत दिख रहा है एंड खूंखार दिख रहा है गाइस, खूंखार यहाँ पर दिखाना भी ज़रूरी है। देन अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली राइट का आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब गाइज यार हमारा आँखों का अंदर का जो पार्ट है उसको रेड रेड थोड़ा सा करना है, तो रेड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही चीज़ यूज़ करेंगे, रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हेयर कलर के अंदर आके गाइज रेड कलर सेलेक्ट करके राइट का आइकन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ बैक का एरो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, हट जाएगा। हटने के बाद मैनुअल पर क्लिक करके आँखों को जूम करते हैं और यहाँ पर साइड साइड जो है अंदर की तरफ रेड कर देंगे, ठीक है।
रेड हो गया एक आंख और इसको भी रेड कर देते हैं। देन रेड होने के बाद करना क्या, इसका सिचुएशन 100% अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम रखना है, यानी 30-35 कर देते हैं और 40 के आसपास रखे हैं गाइस, देख सकते हैं। राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारा फेस का वर्क जो है ख़त्म हो चुका है। अब बात आता है फेस को यानी स्किन को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। हल्का फुल्का स्मूथ करेंगे, जहाँ पे मतलब ऊपर नीचे उसको स्मूथ कर देंगे, बाकी उसको अब फेस को मेन पॉइंट होता है गाइस ब्लू कलर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो स्मूथ करने के लिए रिटच वाला ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्मूथ का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, स्मूथ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों का फेस स्मूथ कर देगा, बट हमें ऑटो को यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। रुकने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मैनुअल का ऑप्शन, मैनुअल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साइज़ को बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद जूम करेंगे यहाँ पे, और इतना जो पार्ट है मतलब यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का पिंपल वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब टच करते जाएंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो देख सकते हैं। एंड इधर का पार्ट भी हल्का फुल्का कर देते हैं, देन इधर का पार्ट कर देते हैं, और हल्का हल्का मतलब जहाँ आप लोग को स्मूथ करना है गाइस वहीं पे कीजिएगा, कहीं और नहीं करना है। एंड गर्दन पे थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, बस टच करते जाना है, हो जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कितना स्मूथ हुआ है। एंड राइट का आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। अब देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल स्मूथ कर देता है हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो चलिए गाइस आगे का प्रोसेस ये है। अब बात आता है गाइस फेस को ब्लू कलर में करना, और यहाँ पे जो वो धुआं वाला PNG था उसको ऐड करना। तो चलिए उसको पहले ऐड कर देते हैं, फिर फेस को ब्लू करेंगे, उसके बाद से फेस देखिएगा कितना खूंखार नज़र आएगा गाइस। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके वो PNG ऐड कर देता हूँ, जो आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं गैलरी के अंदर से ऐड करता हूँ उस PNG को। एंड गाइज ये रहा हमारा PNG जो है आ चुका है, और धुआं वाला भी PNG आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और इतना जो पार्ट है नीचे का हमारे इसको इरेज कर देंगे। अब देखिए लग रहा है कि हमारे हैंड के अंदर एडजस्ट है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये धुआं वाला PNG इसको ला के इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एंड गाइज इसका डुप्लीकेट पार्ट बनाएंगे। डुप्लीकेट पार्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे एक बगल में ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, सिंपली इसके ऊपर टैप करके डुप्लीकेट पार्ट बना के एक छोटा करके वहीं उसी के बगल में लगा देंगे। देन गाइज राइट आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। अब देखिए गाइज इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, महाकाल के भक्त यानी या फिर भोले के भक्त कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करके लिख सकते हैं। छोटा मोटा मैं चीज़ नहीं बताऊंगा आप लोग को, जो कठिन है वो बता दे रहा हूँ। अब गाइज बात आता है फेस को नीला करने का, ठीक है। तो नीला कैसे किया जाएगा, मैं वो चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। तो सिंपली गाइज आप लोग को नीचे की तरफ मिलेगा इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा और ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा। तो नीचे वाला ऑप्शन जो है उसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ देख सकते हैं, कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर रिफ्लेक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा तीसरे नंबर में, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। एंड एक प्लस का आइकन जो है शो होगा, उसको ले जाकर अपने फेस के ऊपर छोड़ देंगे, स्किन के ऊपर ऑटोमेटिक हमारा फेस जो है कलर हो जाएगा ब्लू कलर में। अब देखिए गाइस हमारा जो क्लॉथ है उसके ऊपर से इरेज करेंगे इसे, तो सिंपली इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इरेज पे आके हार्डनेस को पूरा 100% और अच्छे से यहाँ पे धीरे धीरे इरेज करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं इरेज करके दिखाई रहा हूँ आप लोगों को, एंड इसी टाइप से ब्लू करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बात आता है अभी गाइस हेयर को HD करने का, ठीक है। तो मैं हेयर HD करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, काफ़ी सिंपल है गाइस, तो वो चीज़ आप लोग सीख के जाइएगा, थोड़ा सा भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है तो उसको जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। एंड गाइस इधर का पार्ट जो है उसको भी इरेज कर लेते हैं, देख लीजिए अच्छे से इरेज हो गया। अब इधर का पार्ट भी इरेज कर देते हैं। तो चलिए गाइस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर से देख सकते हैं इरेज हो चुका है। अब आंखों के अंदर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, वो भी इरेज हो गया गाइस। एंड इस वाले आंखों को भी मतलब इरेज कर देते हैं, अंदर का ब्लू वाला पार्ट, ठीक है।
एंड ये भी इरेज हो गया। अब आता है लिप्स वाला बात, ठीक है, तो लिप्स को भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं, क्योंकि यार लिप्स को भी मतलब ब्लू नहीं रखना है यहाँ पे। एंड गाइज यहाँ पे इरेस्ट पर क्लिक करके और इसे अच्छे से यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लू कर देते हैं बाकी का पार्ट, ठीक है गाइज। अब देख सकते हैं हमारा लिप्स जो है अच्छे से ब्लू हो गया है, रेड हो गया है एंड स्किन ब्लू हो गया है, ठीक है। एंड राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। अब देखिए गाइज हमारा सारा चूज मतलब आप लोग के आंखों के सामने हार्ड दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ पे लगाना बनता है गाइज थोड़ा सा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे वाइट लाइट सर्च कर देंगे एंड तीसरे नंबर में जो PNG आएगा उसके ऊपर टैप करके और इसका ब्लेंड मोड जो है नीचे की तरफ ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे एक लगा देना है, एक इसका डुप्लीकेट पार्ट करके इस कोने में लगा देना है, ठीक है। एंड गाइज राइट के आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। अब देखिए गाइज हमारा काम कंप्लीट। और एक चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड के अंदर जो मोती जैसा लगा होता है, ठीक है, तो उस PNG को भी ऐड कर देते हैं। तो ऐड फोटो पर क्लिक करके मैं ऐड कर रहा हूँ आप लोग के आंखों के सामने ही, थोड़ा सा वीडियो में बने रहना है आप लोगों को। सिंपली ऐड हो चुका है, अब इसका मोड जो है उधर की तरफ घुमाना है, नहीं तो घुमा देते हैं इसी टाइप से, देख लीजिए घूम गया। एंड इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड गाइज राइट के आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब देखिए गाइज हमारा फोटो जो है कितना ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइज आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और छोटा मोटा PNG जो है टीका वगैरह लगा सकते हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं महाकाल के भक्त, भोले के भक्त या फिर महादेव, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लगेगा। एंड गाइज ड्रा टूल के अंदर आएंगे, ड्रा वाला ऑप्शन के अंदर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइज हेयर को HD कैसे किया जाता है, जो कि आप लोग को होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हेयर कितना ज़्यादा HD है। अब इस टाइप से मैं आप लोगों को HD करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये HD नहीं है। अब इसको गाइस सेंड करेंगे सिंपली स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फेस स्टॉप लाइट है जो इसको बढ़ा देना है 30 तक और स्किन स्मूथिंग है इसको बढ़ा देंगे 40 तक और आई क्लियरिटी है आप लोग का आंख साफ नहीं होगा तो इसको बढ़ा दीजिएगा तो अपना आंख जो है वाइट हो जाएगा, इसको भी 40 कर देंगे। राइट के आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब बात आता है मतलब हेयर को HD करने के लिए, फोटो को HD करने के लिए टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिएगा इस यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को एंड इसके ऊपर क्लिक करके एक स्लाइड करेंगे तो नीचे की तरफ शार्पनिंग का ऑप्शन मिलेगा, शार्पनिंग का इसके ऊपर क्लिक करके और इसको बढ़ा देंगे पूरा 80 तक और फिर से एक बार क्लिक करके और उतना ही बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए गाइज हमारा फोटो कितना खूंखार नजर आ रहा है, एक बार गैलरी के अंदर सेव करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और गाइज यार जो मैं प्रेसेट यूज़ किया हूँ वो दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में और जो PNG यूज़ किया हूँ वो भी आप लोगों को दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए आसानी से। एडिट करके मुझे टैग मेंशन जरूर कीजिएगा, एक बार फोटो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिटेल्स है हमारे फोटो के अंदर। इसी टाइप से आप लोग एडिट कीजिए, आप लोगों का फोटो भी हार्ड तरीके से वायरल होगा और काफ़ी सारा लाइक मिलेगा और कमेंट भी, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो फटाक से आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइस।